केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी के मसरत आलम के संगठन जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये जानकारी देते हुए कहा कि इस संगठन पर लोगों को भड़काने और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं। अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को यूएपीए के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। इस संगठन और इसके सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं और आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं। ये लोगों को जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाते हैं। मोदी सरकार का संदेश स्पष्ट है कि जो भी हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ काम करेगा, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुस्लिम लीग मसरत आलम ग्रुप की अध्यक्षता मसरत आलम भट्ट करता है। ये संगठन अपने राष्ट्र विरोधी और पाकिस्तान समर्थक प्रचार के लिए जाना जाता है। ये संगठन जम्मू और कश्मीर को भारत से स्वतंत्र करना चाहता है, ताकि जम्मू और कश्मीर का पाकिस्तान में विलय हो सके और जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित हो सके। इस संगठन के सदस्य जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन करने, जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों पर लगातार पथराव सहित अन्य गतिविधियों में शामिल रहे हैं। ये संगठन पाकिस्तान और उसके प्रॉक्सी संगठनों सहित विभिन्न स्रोतों से धन जुटाता है, साथ ही अपनी गतिविधियों से देश की संवैधानिक सत्ता और संवैधानिक व्यवस्था का अनादर करता है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA के तहत केंद्र सरकार किसी संगठन को गैर कानूनी या आतंकवादी घोषित कर सकती है। अगर किसी संगठन को गैर कानूनी या आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है या उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो उसके सदस्यों का अपराधीकरण हो सकता है और उसकी संपत्ति भी जब्त हो सकती है। गृह मंत्रालय के मुताबिक इस समय देश में 42 संगठनों को आतंकी संगठन घोषित किया गया है, यानी उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें कई खालिस्तानी संगठन, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, लिट्टे और अलकायदा जैसे 42 संगठन शामिल हैं।